तो विपक्ष पर तंज कस रहे थे पीएम। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सांसदी बहाल हो गई है। राज्यसभा ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर उनका निलंबन वापस ले लिया है। इससे पहले अगस्त में राघव चड्ढा को 5 राज्यसभा सांसदों का नाम चयन समिति में शामिल करने से पहले उनकी सहमति न लेने के आरोप में निलंबित किया गया था। अपने निलंबन के खिलाफ राघव सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने वो दिन याद गिनाए आज और कहा कि इतने दिनों तक जनता के सवाल वो राज्यसभा में नहीं उठा पाए क्योंकि उनको निलंबित किया गया था। करी थी उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। जी हां, आज संसद भवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया। करीब करीब 115 दिन तक मुझे सस्पेंड रखा गया। 115 दिन तक मैं आपकी आवाज संसद के भीतर जाकर नहीं उठा सकता। 115 दिनों तक आपके सवाल मैं सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सका, और जो जवाब आप सरकार से चाहते थे वो जवाब आपके लिए नहीं ला सका। लेकिन मुझे खुशी है कि 115 दिन के बाद ही सही मेरी सस्पेंशन आज समाप्त हुई। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और चेयरमैन राज्यसभा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस 115 दिन के निलंबन के मेरे समय में मुझे आप सबकी बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला। आप लोगों ने मुझे फोन कर, मैसेज कर, ईमेल डालकर, मिलकर बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हिम्मत दी लड़ाई लड़ने की, डटे रहने की और इन लोगों से मुकाबला करने की। मैं आपकी सारी दुआओं के लिए, आपके आशीर्वाद प्यार के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी, ये एक चिराग